हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ब्लाउज़ के लिए बहुत ही सुंदर लटकन बना रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक कपड़ा लिया हुआ है ब्लाउज़ की मैचिंग का, और उसके ऊपर बाउल रख करके एक राउंड सर्कल हम इसमें से कट करेंगे। यहाँ पे दो सर्कल हमें कट करने हैं। अब हम जहाँ पे मार्किंग है वहाँ से सिलाई लगा लेंगे पूरे सर्कल के ऊपर से। सर्कल के ऊपर से सिलाई हो जाने के बाद इसको सीधा करने के लिए हम एक साइड के कपड़े को सेंटर से पकड़ लेंगे और यहाँ पे छोटा सा कैंची की सहायता से कपड़े में कट लगाएंगे, जहाँ से हम इस कपड़े को सीधा करेंगे। अब इसमें से कपड़े को ऊपर निकालेंगे और धीरे धीरे ऊपर की साइड खींचते हुए इसको सीधा कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ट्रेंडिंग में है डिज़ाइन लटकन का, तो इसको बिल्कुल आसान तरीके के साथ मैं आपको बनाना बता रही हूँ। सीधा हो जाने के बाद एक बार हम इस पर आयरन लगा लेंगे, ताकि जो इसकी सिलाई के बाद सर्कल पूरा अच्छे से निकल जाए। अब इसको एक बार फोल्ड करेंगे और जैसे सेंटर पे मार्किंग किया मैंने वैसे करेंगे, फिर दूसरी साइड से भी, और स्केल की सहायता से एक बार इनके बीच में से हम मार्किंग कर लेंगे। इन सभी का गैप बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। अब हम इसकी एक साइड में लेस लगाएंगे, जो मार्किंग है उसके दूसरी साइड में राउंड में पूरा लेस लगा लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब ये जो मार्किंग हमने किया था, इसी के ऊपर से हम पूरे में सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। अब इसमें से जो बीच में हॉल हमने बनाया था उसको दोनों कपड़ों में कर देंगे और एक डोरी लेंगे। आप रेडीमेड भी ले सकते हैं या फिर बना भी सकते हैं सेम कलर का। अब उसमें से तीन चार नॉट लगा करके उसको ऊपर की साइड में निकाल देंगे। अब यहाँ पे जो ब्लाउज़ में बॉर्डर है उसी की लेस से मैं ऊपर इसमें एक छोटा सा लटकन और बना रही हूँ, तो ये भी रेडी हो गया है। और देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर हमारा ब्लाउज़ की मैचिंग का लटकन बन करके रेडी है। आप इसको कुर्ती में भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा है मेरा वीडियो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दूसरी साइड में भी सेम तरीके से हम लटकन बना करके लगा